फलोदी में चोरों के हौसले बुलंद, शादी में गए परिवार के बंद, मकान के ताले तोड़, लाखों के जेवरात व नकदी पर किया हाथ साफ, अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज, लोहारों का डिग्गा क्षेत्र का मामला। फलोदी नगर पालिका क्षेत्र के लोहारों का डिग्गा निवासी परिवार जन शादी में गए, पीछे एक बंद मकान का ताला तोड़कर बीती रात चोरों ने लाखों के जेवर व करीब 4 लाख की नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मकान मालिक को सुबह पता लगने पर बीकानेर से आकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जानकारी के अनुसार शहर के लोहारों का डिग्गा इलाके के निवासी मोहम्मद अली पुत्र मोहम्मद हसन अपने परिवार सहित कल रात 11 बजे अपने रिश्तेदार की शादी में बीकानेर गए थे। पीछे अज्ञात चोरों ने बारिश और घने कोहरे का फायदा उठाते हुए बंद मकान का मुख्य ताला तोड़कर अंदर 2 कमरों के ताले तोड़ करीब 30 लाख की नकदी व गहने चोरी कर लिए। आज सुबह जब आस पड़ोस के लोगों ने घर का ताला टूटा देखा तो उन्हें सूचना दी, जिस पर मोहम्मद अली अपने परिवार के सदस्य फलोदी आए व घर का ताला टूटा देखते हुए पुलिस को अज्ञात चोरों के खिलाफ लिखित सूचना दी। पीड़ित परिवार के इमरान पुत्र मोहम्मद अली ने पुलिस को बताया कि घर की अलमारी में रखे करीब 4.5 लाख रुपए नकदी व 40 से 45 तोला सोने के जेवर व 4 से 5 किलो चांदी के जेवर चोरी हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर पीड़ित परिवार द्वारा लिखित रिपोर्ट के अनुसार अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। अनियंत्रित होकर अनार से भरा ट्रेलर पलटा, चालक व खलासी ने कूद कर बचाई जान। फलोदी के निकट नेशनल हाईवे 11 सड़क मार्ग स्थित बुरा बाबा मोड़ की घटना। फलोदी के निकट नेशनल हाईवे 11 बुरा बाबा सड़क मार्ग पर अनार से भरा एक ट्रेलर आज अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें चालक व खलासी ने कूद कर अपनी जान बचाई, लेकिन ट्रेलर पुलिया से नीचे गिरने के बाद लुढ़कता हुआ खेतों में जा गिरा। जानकारी के अनुसार बीकानेर से फलोदी की ओर बाप के रास्ते आ रहा अनार से भरा एक ट्रेलर आज फलोदी के पास नेशनल हाईवे 11 बुरा बाबा सड़क मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें सवार चालक सहित खलासी ने कूद कर अपनी जान बचाई, जबकि ट्रेलर पुलिया से नीचे गिरने के बाद लुढ़कता हुआ खेतों में जा गिरा। आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों ने दौड़कर देखा तो ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हालत में पड़ा था, लेकिन चालक व खलासी सुरक्षित देखे गए। तब कहीं जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को जेसीबी हाइड्रो की मदद से सीधा करने का प्रयास किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस रास्ते मोड़ा होने के चलते भारी वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले अक्सर सामने आते रहे हैं। फलोदी पंचायत समिति की बापिनी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत विकास कार्यों के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का आरोप लगाकर निष्पक्ष जांच की मांग कर ग्रामीणों ने सौंपा विकास अधिकारी फलोदी को शिकायत पत्र। फलोदी पंचायत समिति क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत विकास कार्यों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें सरपंचों के साथ ग्राम विकास अधिकारियों व मेटों की भूमिका पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। कुछ ऐसा ही मनरेगा के तहत एक बड़े फर्जीवाड़े का मामला फलोदी पंचायत समिति की बापिनी ग्राम पंचायत में सामने आया है, जहां तालाबों नाड़ियों की खुदाई के नाम पर कागजों में ही कार्य पूर्ण कर बताया गया लाखों का बजट डकाने का आरोप लगाकर आज ग्रामीणों ने विकास अधिकारी फलोदी को शिकायत पत्र सौंपा है। बापिनी ग्रामवासियों ने विकास अधिकारी को सौंपे शिकायत पत्र में बताया कि ग्राम बापिनी की कुल 4 नाड़ियां, पन्नालाल नाड़ा, पीरों की नाड़ी, रावड़ी नाड़ी, अमीनरों की नाड़ी के खुदाई कार्य को लेकर तकरीबन 1042 मजदूरों को मस्टरोल जारी कर कार्य करना बताया गया, लेकिन मौके पर कार्य शून्य देखा जा सकता है। बापिनी के जागरूक नागरिक गुलाम रसूल व मोहम्मद रसूल के नेतृत्व में नसरुद्दीन उमराव हबीब द्वारा कार्यकारी विकास अधिकारी को सौंपे शिकायत पत्र में बताया गया कि कार्य के अभाव में जब हम मौके पर पहुंचकर फोटो या वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, तब सरपंच अपनी सरपंचाई का रौब दिखाकर झूठे केस में फंसाने की धमकियां देने लगता है। ग्रामीणों ने अपने शिकायत पत्र में बताया कि समय रहते अगर फर्जीवाड़े की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो ग्रामीणों द्वारा धरना प्रदर्शन कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। न्यायाधीश अजीज खान मेहर आज फलोदी के होपाड़ी मदरसा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान खान ने कहा कि बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने को लेकर मदरसा व शिक्षकों को अधिक कार्य करना चाहिए। न्यायाधीश अजीज खां मेहर आज फलोदी के होपाड़ी मदरसा पहुंचे, जहां उनका ग्रामीणों ने व मदरसा समिति द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने को लेकर परिजनों व मदरसा शिक्षकों को बेहतर कार्य करने को कहा। आज मदरसा अली इब्ने अबी तालिब होपाड़ी फलोदी जोधपुर न्यायाधीश अजीब खां मेहर जो सनावड़ा जैसलमेर ड्यूटी सिरोही होपाड़ी मदरसा पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के लोगों को एकत्रित कर दिलाया कि बच्चों और बच्चियों को स्कूल में भेजकर शिक्षा दिलवाओ। उन्होंने कहा कि गांव और समाज का हर व्यक्ति शिक्षा के इस विषय को गंभीरता से लेकर कार्य पर जोर दिया जाए। इस दौरान होपाड़ी के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद याकूब काश्मी ने मेहमानों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया।
इस दौरान कमाल का हाफिज उमर महबूब खान, मंजूर खान, सिकंदर खान, मौलाना सईद हाफिज मीर मोहम्मद, मौलाना फारूक हाफिज, अरशद मौलाना अजीज उस्मान गनी, राउफ खान मौलाना, अनवर मौलाना, गुलाम रसूल, गफूर खान, रजाक खान, अफसार खान, हनीफ खान सहित मदरसा के तमाम स्टूडेंट्स व आमजन उपस्थित रहे। फॉलो दिस निर्भयधारा न्यूज के लिए राजू व्यास की रिपोर्ट।